हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आज है मंडे और अभी बज रहे हैं 11 सुबह के और मुझे जाना है बाहर। तो एक्चुअली आज ना मैं भूल गई थी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था मुझे। मैं यही समझ रही थी कि आज श्रावण का मंडे है, बट आज श्रावण का मंडे नहीं है। मतलब यूपी वगैरह में उस साइड में जो हिंदी साइडर होता है उनका श्रावण स्टार्ट हो गया है, बट हमारा श्रावण स्टार्ट नहीं हुआ था अभी तक, क्योंकि 15 दिन की गैप होती है उनके और हमारे इसमें। तो क्या हुआ था कि मुझे लगा था कि इस मंडे से श्रावण स्टार्ट होने वाला है। वैसे आज श्रावण स्टार्ट होगा, बट रात से स्टार्ट होने वाला है, और मुझे लगा कि आज से फास्ट स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज मैं मंडे का फास्ट रखने वाली थी, बट अच्छा हो गया, जल्दी से याद आ गया और आज फास्ट नहीं रखा फिर मैंने। और वही कन्फ्यूजन हो गया था, जल्दी से उठी मैं, जल्दी जल्दी सारा कुछ किया, सिर्फ खाना बनाना बाकी है मेरा, तो खाना बनाऊंगी उधर से आने के बाद। अभी बाहर जा रही हूँ, तो बाहर से आने के बाद खाना बनाऊंगी, जल्दी से जाती हूँ आती हूँ और उसके बाद फिर खाना बनाऊंगी। तो चीज़ें चाहिए थी मुझे जो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, और अभी मुझे लगा कि चलो जाके आ जाती हूँ, क्योंकि इनको टाइम है, अभी ड्यूटी नहीं जाना है, लेट जाना है। तो ये बोल रहे थे कि जल्दी से जाके फिर मार्केट में चले आते हैं, नहीं तो फिर और लेट हो जाएगा, फिर और धूप हो जाती है। तो जाती हूँ जल्दी से और फिर जल्दी से सामान वो लेके आती हूँ। चलिए अभी निकलते हैं, और स्टॉल ही बांधना है, तो इसी वजह से मैं इतना ज़्यादा कुछ रेडी नहीं हुई हूँ। तो मुझे ना उसके बाद खाना भी बनाना है घर पे आने के बाद, और स्टॉल भी नहीं दिख रहा है यार मेरा, एक भी स्टॉल जगह पे नहीं है, क्योंकि बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी अभी, तो बाहर ही नहीं जा रहे तो बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। कहाँ रख दिए स्टॉल सारे, तो वो भी नहीं दिख रहे अभी। यही बांध के चली जाती हूँ, मास्क वास्क नहीं लगाती हूँ, ये स्टॉल ही बांध के चली जाती हूँ। गाइज, आ गई हूँ मैं और नहा लिया है, फ्रेश हो गई हूँ। चलिए अभी किचन में चलते हैं, और अभी मुझे बनाना है खाना, क्योंकि जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ, इनको जाना है ड्यूटी, तो इसीलिए जल्दी से खाना बनाना है और उसके बाद फिर लंच करेंगे जल्दी से। तो जल्दी जल्दी खाना बनाने के लिए शुरुआत कर दी। यहाँ पर लंच में बनने वाली है आज बहुत ही खास सब्जी, और वो है सेव की सब्जी, जो ढाबे पर मिलती है, रेस्टोरेंट में मिलती है। आप लोगों ने खाई है तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं खाई है तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो मैं आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी, और बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ही टेस्टी बनी थी, तो ढाबे जैसा ही टेस्ट आ रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। साइड में मैंने दाल भी बनाने के लिए रख दी है, और यहाँ पर मैंने ना कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है, और थोड़ा सा क्या किया है, चॉप करके, बड़े बड़े चॉप करके ऑनियन डाला है, और उसके बाद एक दालचीनी का टुकड़ा डाला है, तेज़पत्ता डाला है एक, और उसके बाद मैं थोड़ा सा लौंग और इलायची डालूंगी, और क्या बोलते हैं, अच्छे से भून लूंगी उनसे, सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। और यहाँ पर ना मैंने लौंग और इलायची और दो मिर्च डाली थी, लाल मिर्च, तो वो डाली थी तो वो शूट करना ही भूल गई, मतलब कैमरा ऑन करना ही भूल गई थी, तो इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। अरे हो जाता है कभी कभी ऐसा, जल्दबाजी में थी ना तो इसीलिए हो गया था ऐसा, और बहुत जल्दी जल्दी किया मैंने, क्योंकि इनको ड्यूटी जाना था ना, तो ये बोल रहे थे जल्दी करो जल्दी करो, तो इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी किया, क्योंकि मार्केट में ही टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए फिर घर पे आई, फिर जल्दी 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 से नहाया मैंने, और उसके बाद फिर किचन में आई, तो फिर थोड़ा सा सेहत का ध्यान भी रखना पड़ता है इसीलिए। और यहाँ पर ना मैंने प्याज वगैरह वो सारी चीज़ें भून ली थी, अच्छे से भूनना है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर ना जो सूखा नारियल होता है वो भी काट लिया था, और वो भी अच्छे से भून लिया है, थोड़ा सा ऑयल डाल के भूनना है आपको, और वो भी उसमें ही ऐड करना है, और अच्छे से ये सारी चीज़ों का पेस्ट बना लेना है आपको, मिक्सी में पीस लेना है इसे, अच्छे से पेस्ट बनाना है सारी चीज़ों का, ताकि इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो आप, अच्छे से थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए और चिकना पेस्ट बना लीजिए। तो यहाँ पर पेस्ट मैंने बना लिया था, और मैंने ना क्या किया है, ऑयल डाला है पहले कढ़ाई में, और उसके बाद डाला है ये लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट ना थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, तो उससे अच्छा टेस्ट आता है उसका, इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, जैसे आप चिकन वगैरह में डालते हो उसी तरह से,
तो यहाँ पर डालना है, और उसके बाद जो पेस्ट हमने बना के रखा था पहले लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो भून लेना है अच्छे से। और फिर उसके बाद ना क्या करना है, थोड़ा सा काला काला सा वो इसका था कोकोनट का, इसीलिए वो निकाल रही हूँ। और उसके बाद आपको अच्छे से ये वाला मसाला भी भून लेना है। तब तक भूनना है जब तक ये तेल छोड़ने ना लगे। मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ कि मसाला तब तक भूनिए जब तक ये तेल ना छोड़े, और तभी आपकी टेस्ट बहुत अच्छी आएगी सब्जी की। और उसके बाद मैंने टोमेटो भी पीस लिया है, और ये टोमेटो का पेस्ट मैंने ऐड किया है, और इसको भी अच्छे से भून लूँगी। जब तक आपका मसाला तेल नहीं छोड़ेगा तब तक आपको भूनना है। और यहाँ पर मेरा मसाला तेल छोड़ने लगा था, तो मैंने ना क्या किया, उसमें स्पाइसेस ऐड किए, जैसे कि हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। ये बेसिक से ही मसाले मैंने ऐड किए, क्योंकि हमने वो पहले खड़े मसाले ऐड किए थे इसीलिए। तो यहाँ पर बेसिक से मसाले ऐड कर दिए हैं, और उसके बाद भी थोड़ी देर और भून लूँगी, ताकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मसाले डालने के बाद भी भूनना है थोड़ा सा, और बस उसके बाद आपको थोड़ा सा नमक, तो मैंने पहले ऐड नहीं किया था, मैंने नमक बोल दिया था बट नमक ऐड नहीं किया था। नमक तो मैं लास्ट में ही ऐड करती हूँ, तो पानी डालने के बाद ऐड करती हूँ, बट आज वैसे ही ऐड कर दिया मसाले में, थोड़ा सा जल्दबाजी में थी इसी वजह से समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो बस यहाँ पर डाल दिया है पानी मैंने, और उसके बाद भी अच्छे से उसे पकने दूंगी मसालों को, और उसके बाद थोड़ा सा और पानी छोड़ दूंगी। जितनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए वैसे रख सकते हो आप, मतलब थोड़ा सा ग्रेवी पतली ही करिए पहले, उसके बाद आप जब उसमें शेव ऐड करोगे, जब वो नमकीन मैं आपको बाद में दिखा दूंगी, वो नमकीन आपको उसमें मिल जाएंगे, क्या बोलते हैं, आपको किराना शॉप में कोई भी तो ग्रॉसरी शॉप में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर फिर अच्छे से ढक्कन रख के पका लूँगी, ताकि आपकी जो तेल है मतलब ऊपर आ जाए, जो तरी है आपकी ऊपर आ जाए। तो इसीलिए ढक्कन रख के थोड़ी देर पका लूँगी, ताकि आपका मसाला भी अच्छे से पक जाए और आपकी तरी भी ऊपर आ जाए। तो ये है वो शेव, जो हम लोग यहाँ पर बोलते हैं मराठी में शेव बोलते हैं, बड़े से होते हैं मतलब मोटे मोटे वाले, वो शेव ऐड करने हैं उसमें। और फिर अभी थोड़ी देर, मतलब अभी पकने नहीं देना है ज़्यादा, क्योंकि अभी ये ग्रेवी पक चुकी है, तो इसको ऑफ़ कर देना है, गैस को आपके ऑफ़ कर देना है, और उसके बाद ये जो शेव है वो ग्रेवी सोक कर लेंगे, और उसके बाद आपकी जो सब्जी है वो रेडी हो जाएंगी। और उसके बाद आपको पकाना नहीं है शेव ऐड करने के बाद। बस यहाँ पर हमारी सब्जी रेडी हो गई थी, थोड़ा सा धनिया पत्ता मैंने ऊपर से ऐड कर दिया है, और ये हो गई खाने के लिए रेडी हमारी शेव की सब्जी। और तरी भी अच्छे से ऊपर आ गई है, और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी यार, बिल्कुल ढाबे जैसी। तो यहाँ पर मेरी प्लेट भी रेडी हो गई थी, मैंने बहुत जल्दी जल्दी किया। तो ये जो सब्जी है, आप साइड में मैंने चम्मच घुमा रही हूँ, ये सब्जी वही है जो बटर पनीर मसाला मैंने बनाया था, तो वो उसमें से बच गई थी वो है। और फिर इसके बाद मैंने ये सेव की सब्जी बनाई, वो है, पापड़ है, सलाद है, ऑनियन, टोमेटो और नींबू, और उसके बाद ये रोटी, और ये जो साइड में दिख रही है दाल है, उसमें मैंने घी ऐड किया है, तो ये सिंपल वाली प्लेन वाली दाल है। तो बस अभी लंच कर लेंगे, और आप भी आ जाइए लंच करने। और ये है हमारा आज का बहुत ही यम्मी सा लंच। और आपको शेव की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके, और बना के ज़रूर देखना। जब भी आपको सब्जी बनाने में टेंशन आ जाए, जब कुछ सब्जी बनाने के लिए ना रहे, तो ये सब्जी आप बना सकते हो। तो गाइस, खाना वगैरह हो गया है, और बहुत जल्दी जल्दी किया यार मैंने, क्योंकि इनको ड्यूटी जाना था, इसीलिए बहुत ही फास्ट स्पीड में करना पड़ा है, और जल्दी जल्दी कर भी लिया, हो गया जल्दी जल्दी। चलो फाइनली ये खाना खा के गए, नहीं तो इन्होंने मुझे बोला था कि नहीं मैं खाना खा के नहीं जाऊँगा अगर जल्दी से नहीं बना, तो इसीलिए स्पीड पकड़नी पड़ी, बहुत जल्दी जल्दी किया। और बस अभी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, और बच्चे गए थे अंकल आंटी के यहाँ पे, क्योंकि उनको लेके जाना सेफ नहीं था, इसीलिए हम लोग दोनों को भी अंकल आंटी के घर छोड़ के गए थे, और जल्दी से आ गए। और जो चीज़ हमने ली है वो कल के ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ये कल लाने वाले हैं वो, और आज मतलब लेके आते बट इस वजह से नहीं ला पाए, कल लेके आएंगे, तो आप देख ही लेना कल के ब्लॉग में उसे। और फाइनली मुझे मिल गई वो चीज़, काफ़ी दिनों से इनको बोल रही थी बट आज उन्होंने दिलवाई ही दी। और कुछ ऐसे ही चीज़ें लाई है, नॉर्मल सा सामान लाया है, वो भी मैं आपको कल दिखा दूंगी, क्योंकि अभी बाहर ही रखा है वो सामान सैनिटाइज़ करने के लिए, मतलब सैनिटाइज़ करके ऐसे ही बाहर छोड़ दिया है धूप में, तो इसीलिए जो सामान मैंने लाया है आज, चाहिए थी मुझे मेकअप की तो वो लाई है, तो वो मैंने बाहर ही रखी है, वो भी आपको मैं दिखा दूँगी। और देखिए अद्विक चिल्ला रहा है ज़ोर ज़ोर से, और डेली का ही होता है ये, जब भी उसके पापा ड्यूटी जाते हैं ना, तो ये मतलब जाने नहीं देने के लिए होता है ये सारा कुछ, ऐसे ही उसको समझाना पड़ता है, हमें घर पे अंदर लाना पड़ता है। ये अद्विक पापा ड्यूटी जा रहे हैं इसीलिए।
अच्छा पापा ड्यूटी कर रही है। इधर आपको दिखाती हूँ, ये देखो कितनी जोर जोर से चिल्ला रहा है ये। भाई थोड़ा सा टीवी का आवाज बंद करो बेटा, कम करो। अरे अरे ये डेली का ही होता है अद्विक का, मतलब बोलता है कि ड्यूटी जाओ ही मत, डेली का ही ऐसे ही रोना धोना होता है। मैं पहले ही उसको संभाल लेती हूँ या उधर लेके जाते हैं हम लोग या कुछ करते हैं, फिर ये ड्यूटी जाते हैं बाहर, वैसे ही करता है पैर पटक पटक के रोता है। ये बिल्कुल समझदार बच्चा नहीं है, ये देखो कैसे मुंह में हाथ डाल रहा है, बैड बॉय है ये। और हाँ, आज मयूरी भानुशाली के बेटे का बर्थडे है दुर्वेश का, तो हमारी सबकी तरफ से दुर्वेश हैप्पी बर्थडे डियर, और हैप्पी बर्थडे भैया दुर्वेश भैया, हैप्पी बर्थडे दुर्वेश भैया। और ये देखो पूरा अभी शांत किया इसे, तो पूरा रोया हुई शक्ल दिख रही है इसके। तो हैप्पी बर्थडे दुर्वेश, और आपको आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां मिले, आप बहुत आगे जाओ और आगे आपको बहुत तरक्की मिले, तो यही गॉड से आपके लिए प्रे करूंगी। और चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ मेरे दो और चैनल है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, अभी बच्चों को सुला देती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे बच्चे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय बाय, बोल दो सब, बाय बाय बोलो माही, बाय।